गुड मॉर्निंग। कल हमने आपके पाठ्यपुस्तक उद्भव की पाठ संख्या 2 में दी गई कहानी हार की जीत को पढ़ा था और समझा था। आज हम उस कहानी के मूल भाव को आप सभी को समझाना चाहूँगी। कृपया आप इसे ध्यान से समझना। कहानी का जो मूल भाव है वह यह है कि हार जीत कहानी सन्यासी की उदारता, प्रेम और मानवीयता के माध्यम से एक डाकू के हृदय के मर्मस्पर्शी कहानी है। धोखे से डाकू खड़क सिंह असहाय, अपाहिज, दुखी बनकर बाबा भारती का प्राणों से प्रिय घोड़ा उनसे छीन लेता है। लेकिन बाबा के ये शब्द कि इस घटना के बारे में तुम किसी और को मत बताना, क्योंकि इस घटना को सुनकर कोई भी व्यक्ति कभी किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। पाषाण हृदय डाकू के हृदय में संवेदना का निर्झर प्रवाहित कर देते हैं। डाकू खड़क सिंह ने केवल बाबा के घोड़े को ही नहीं लौटाया था, बल्कि अपने आंखों के आंसू से उस स्थान को पवित्र कर दिया था जिस स्थान पर बाबा भारती के आंसू गिरे थे। यह निजत्व की हानि को मनुष्यता की हानि पर समर्पित कर देने का भाव प्रदर्शित करने वाली आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहानी है। मनुष्य जितना विनम्र, उदार व दयालु होता है वह उतना ही सुख पाता है। ऐसा मनुष्य न केवल स्वयं सही राह पर चलता है, अपितु अपने संपर्क में आने वालों को भी सही मार्गदर्शन करता है। अब हमने इस कहानी को पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, उसके भाव को भी समझ लिया। तो इसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पुस्तक में इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। अब हम उन प्रश्न उत्तरों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तथा आत्मसात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पाठ के प्रश्नों को पढ़ूंगी, जिसमें सबसे पहला भाग है प्रश्न का मौखिक प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। जैसे इसका पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न का कि बाबा भारती किसे देखकर आनंदित होते थे। तो जैसा कि अगर आपने ध्यान से इस कहानी को सुना तो आप इसका सटीक उत्तर दे पाओगे कि बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर आनंदित होते थे। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि खड़क सिंह कौन था, वह घोड़े की तरफ आकर्षित क्यों हुआ। खड़क सिंह जो है वह उस इलाके का एक कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह उस इलाके का एक कुख्यात डाकू था और वह घोड़े की कीर्ति को सुनकर उसकी तरफ आकर्षित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर क्यों बैठाया। बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर क्यों बैठाया, यह हमारा तीसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि बाबा भारती को लगा कि वह अपाहिज बहुत ही कष्ट में है, गरीब है, दुखी है, इसलिए उन्होंने उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बैठा लिया। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अपाहिज ने क्या कहकर बाबा भारती से सहायता मांगी। बाबा भारती से
खड़क सिंह ने ये कहा कि बाबा मैं दुखी आ रहा हूँ, मेरी मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो। यह कहकर अपाहिज ने बाबा भारती से मदद मांगी। अगला प्रश्न है कि अस्तबल के फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती क्यों रुक गए? तो इसका उत्तर है कि अस्तबल के फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी गलती का अनुभव हो गया, इसलिए वह फाटक पर पहुंचकर रुक गए। हमारा अगला प्रश्न है कि रात्रि के सन्नाटे में डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान को कहाँ लाकर बांध दिया? तो इसका उत्तर है कि रात्रि के सन्नाटे में डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर, जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता था, सुल्तान को बांधा जाता था, उसी स्थान पर उसे लाकर बांध दिया। अब हमारे पुस्तक में जो दो नंबर प्रश्न है वह है मेरी लेखनी। मेरी लेखनी में एक वाक्यांश दिया हुआ है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसमें प्रश्न है कि यह बात कहानी में किसने किससे कही? तो अपने ध्यान से तो कहानी सुनी है, आपको इसका उत्तर भी पता होगा। इसका उत्तर है कि यह बात कहानी में बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कही। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि इस कथन के पीछे छिपे उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। बाबा भारती ने जो यह कथन कही थी, इस कथन को कहने के पीछे बाबा भारती का केवल एक ही उद्देश्य छिपा था कि यदि इस बात के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को या किसी दूसरे को ज्ञात हो गया तो आज के बाद जो यह घटना घटी है, इस घटना को सुनकर कोई भी व्यक्ति कभी भी कितनी भी कोई मुसीबत में क्यों न पड़ा हो, उसकी कभी कोई मदद नहीं करेगा। बाबा भारती ने जो ये बात कही थी, इस बात के पीछे बाबा भारती का यही उद्देश्य छिपा हुआ था। अब हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर, जो यह है कि पहला प्रश्न है इसमें कि खड़क सिंह के मुंह से सुल्तान की प्रशंसा सुनकर बाबा भारती ने क्या किया? इसका उत्तर है कि खड़क सिंह के मुंह से सुल्तान की प्रशंसा सुनकर बाबा भारती ने उसे अस्तबल में ले जाकर घोड़ा दिखाया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह ने क्या कहा? घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह ने क्या कहा? घोड़े की चाल देखकर डाकू खड़क सिंह ने कहा, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खड़क सिंह स्वयं को लज्जित क्यों महसूस कर रहा था? उत्तर इसका है कि बाबा जैसे उच्च विचारवान व्यक्ति के साथ छल करने के कारण खड़क सिंह स्वयं को लज्जित महसूस कर रहा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बाबा भारती के पाँव की चाप को पहचानकर घोड़े ने क्या किया? घोड़ा जो है वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा। बाबा भारती के पाँव की चाप को देखकर पहचानकर घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा।